आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन देखिए, यहाँ से पूरा क्रैक हो गई है इस जगह से, और यहाँ पर टच होते होते ये पूरा फैल गया है। अब ये इसके अंदर फैल गया तो ये इसके अंदर ऐसे लगा रहता है और ब्रेक मारने पे खुल गया। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके साथ भी हो सकता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, ये इस वीडियो में देखेंगे हम। दोस्तों मेरे सामने यहाँ पर क्लासिक है, आप देख सकते हैं, और क्लासिक का यहाँ ब्रेक पैंडल है, ये बिल्कुल नीचे गिर गया है और ये गाड़ी चलती हुई गाड़ी पर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि गाड़ी 40-50 की स्पीड में अगर ऐसा आपके साथ होता है तो एक हादसा हो सकता है, तो इसके पीछे क्या रीजन है जरा चलते हैं नज़दीक से जानते हैं। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रेक लगे कैसे होते हैं। देखो ब्रेक केम यहाँ ऊपर की साइड रहती है और ये केम अंदर यहाँ पे को फंसती है। इसके यहाँ पर एक मेरे पे घोगली है, आपको निकाल के दिखाता हूँ। काफी ये साइलेंसर में दिखा, सबसे पहले मैं साइलेंसर खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर। तो यहाँ पर अभी देखिए ब्रेक केम, ये जो घोगली रहती है ये केम के अंदर यहाँ पर ऐसे लगी रहती है दोनों साइड से, पर वेल्डिंग नहीं होती है, और यहाँ पर खुल गई है और ये इतना टच हुआ कि टूट गया है यहाँ से। यहाँ आप क्रैक देख सकते हैं, इसके अंदर क्रैक आ गया है, और इसको मैं एक बार खोल देता हूँ, पूरा बाहर निकालता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन देखिए, यहाँ से पूरा क्रैक हो गई है इस जगह से, और यहाँ पर टच होते होते ये पूरा फैल गया है। अब ये इसके अंदर फैल गया तो ये इसके अंदर ऐसे लगा रहता है और ब्रेक मारने पे खुल गया। और मैं बता दूँ ये लोकल है, और जो ओरिजिनल होता है वो वाइट कलर में होता है और ये गोल्डन कलर में है, तो ये लोकल है। हमेशा डालें तो ये ओरिजिनल ही डालें, और ओरिजिनल के जो ग्रुप होते हैं, और ये मेटल जो होता है काफ़ी मोटा है और अच्छी बिल्ड क्वालिटी में होता है, तो ये इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, तो मुझे लगा कि इसके इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेक ऐसा सिस्टम है कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे इसको फिट कर दिया है और बिल्कुल आसानी से फिट हो गया है, ठीक है। अभी मैं साइलेंसर लगा देता हूँ, और उससे भी पहले भी बता दें, ब्रेक केम जो लगाई जाती है इसका ये हिस्सा अंदर की साइड रहता है, जैसे अगर ऐसे लगाएंगे तो ज़्यादा मतलब साइलेंसर पे टच होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसको हमेशा इसी तरीके से लगाएं जो मैंने ये लगा दिया है। अब साइलेंसर लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि साइलेंसर पे टच होता है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं साइलेंसर लगा दिया है और यहाँ पर काफ़ी गैप है, ठीक है। अगर आपका साइलेंसर टच होता है इससे तो आप यहाँ पर मतलब ऐसे पकड़ के खींच सकते हैं, या इसके अंदर यहाँ पर कोई रोड लगा के ऐसे खींच सकते हैं जिससे अंदर गैप रह जाए, और इसके अंदर गैप नहीं रहेगा टच होगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यही था, मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मेरे को लगा एक मेजर टॉपिक है, वीडियो तो बनाना ज़रूरी बनता ही है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।